subscribe and click the bell icon for television updates. आप सब जानते होंगे कि मेरी मम्मी जी ने मेरी शादी कहीं और तय करा दी है और मैं मानव से पिछले 4-5 साल से मैं मानव के साथ हूँ, उसे डेट कर रही हूँ. हम सिर्फ लवर्स नहीं हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. सो हम साथ में बड़े हुए हैं एक तरीके से कहा जाए, राइट. और मानव मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तूफ़ान यही है कि मम्मी जी मेरा जो रिश्ता है वो कहीं और तय करने जा रही है, पर मुझे नहीं लगता कि मेहर उन लोगों में से है जो चुप करके बैठने वाली है. और शी इज़ गोइंग टू फाइट फॉर हर लव एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग टुडे. वो उसने किसी तरह से अपनी मम्मी जी को कन्विंस कर लिया है कि वो मानव से एक बारी मिल ले, एक बारी बात कर ले. और यू नो एज मेहर आई एम प्रेइंग कि मम्मी जी को मानव पसंद आ जाए और मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार सकूँ. इतना झूठ मैंने पहले कभी नहीं सुना. खूबसूरत केक था, पर जब मैंने कुक करना शुरू करा और मुझे कुक भी नहीं करना था, मुझे सिर्फ आइसिंग करनी थी, बट आई हैव डिस्ट्रॉयड दिस ब्यूटीफुल केक कम्प्लीटली. आई एम समवन हु लव्स टू ईट, बट मुझसे कुकिंग एज सच होती नहीं है. किसी दिन होपफुली मैं सीख जाऊँगी और मेरी मम्मी भी खुश हो जाएंगी कि हाँ आ गया कुछ. मैंने अपने दिल में उस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया. और रही बात मेरी, तो मैं मानव के अलावा और किसी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ. तो आई थिंक वो रिश्ता कैसे ख़त्म करूँ, ये चीज़ मेरे अभी दिमाग में आ ही नहीं रही है. यू नो, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को दूर हटाने की या यू नो उस चीज़ से भागने का आप कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया.